व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गया हूँ एक और नई क्राफ्ट, नई आर्ट, नई पेंटिंग वीडियो लेकर। और आज हम करेंगे पेंटिंग जो कि काफ़ी एक वाटरफॉल कर रहे हैं हम मूनलाइट में, है ना। और जो कि हमने उसके लिए सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लिया है, देखो कार्डबोर्ड लिया, उसके दूसरे साइड हमने पेपर चिपका लिया। और आपको बता दूँ, ये जो पेंटिंग होगी ये वर्टिकल पे होगी, ना कि हॉरिजॉन्टल पे। ऐसे करेंगे ना तो जो वाटरफॉल है थोड़ा छोटा लगेगा, ऐसे करेंगे तो अच्छा लगेगा। वाटरफॉल थोड़ा हम ऊपर बना देंगे जिससे लगेगा कि हाँ थोड़ा रियलिस्टिक है, इसी वजह से थोड़ा ऊंचा वाटरफॉल है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, सबसे पहले वाटरफॉल जो बनाने जा रहे हैं उसके लिए पेंट कौन कौन से चाहिए होंगे हमें, देखो हमें चाहिए प्रशियन ब्लू, देख लो नाम। देन हमें चाहिए सियार ये वाला है, उसके बाद चाहिए हमें ये। देन उसके बाद हमें चाहिए पीआर यानी प्रशियन रेड, ठीक है, ये देखो तीन। और उसके बाद हमें चाहिए सीआर यानी येल्लो, ठीक है। देन जो है हमें चाहिए, नहीं येल्लो नहीं चाहिए, ये वाला कलर चाहिए क्रिम्सन, है ना। और देन उसके बाद हमें चाहिए सीएल यानी क्रोम येल्लो, ये देखो क्रोम येल्लो मीडियम ह्यू का है। और कभी लोग करते हैं येल्लो ऑर्क ले लेते हैं, कुछ लोग लेमन येल्लो ले लेते हैं, लेकिन जो सही कलर है वो है क्रोम येल्लो, ठीक है। तो पांच कलर लगेंगे, पांच नहीं लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, वो तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ मेन मेन कलर्स, ठीक है। देन उसके बाद लगेगा आपका ब्लैक, ठीक है, वाइट, मून बना रहे हैं ऑफकोर्स वाइट। देन सबसे पहले भाई वाटरफॉल बना रहे हैं, वाटर कलर यानी ब्लू। ब्लू के तीनों शेड ले लेने, मेरे पास तीन शेड हैं, मैंने तीनों शेड ले लिए, देखो तीन शेड हैं। एक है प्रशियन ब्लू जो कि पर्पल जैसा होता है, पर्पल ही होता है लगभग वो, ये देखो पर्पल ही है। और दो शेड हो जाते हैं समझ लो ब्लू के, एक ये कोबाल्ट ब्लू ह्यू एंड दिस लाइट ब्लू, ठीक है, ये दो हो गए। देन उसके बाद आपको चाहिए ग्रीन, भाई देखो वाटरफॉल जो है वो थोड़ा नेचर का है, नेचर सीनरी बनने जा रही, तो नेचर सीनरी में ग्रीन ऑफकोर्स आएगा। और ये ग्रीन मैंने लिया है पोस्टर ग्रीन, जिसको हम लोग डार्क ग्रीन भी कह सकते हैं, ये लाइट ग्रीन नहीं लेना है आपको, लाइट ग्रीन लोगे आप गलत कर दोगे। लाइट ग्रीन से क्या होता है, जितने आप ज़्यादा डार्क कलर लोगे उतना आपका अच्छा रहता है पेंटिंग, ठीक है। तो ऐसे कर देना है, इतने सारे कलर्स लगेंगे, और भी ज़्यादा लग सकते हैं, देखो इतने कलर्स लगेंगे, दो ये देखो कितने लग रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर्स लगेंगे हमारे, सिर्फ ज़्यादा नहीं लगेंगे। और एक और कलर लगेगा 11th वन, ये देखो ये गोल्डन शेड का कलर है, इसको येल्लो ऑर्क बोलते हैं, बट ये देखो इसका गोल्डन ही कलर लगता है, लगता है कि ये गोल्डन कलर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो मुझे जो जो कलर्स नहीं लेने थे वो मैंने अलग रख दिए हैं दूर, ठीक है, वो रख देना। और जो मतलब मैं कलर्स यूज़ कर रहा हूँ वो ये हैं, कैमिलियन के स्टूडेंट पोस्टर कलर्स, ठीक है। तो ये कलर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कलर नहीं यूज़ में लेने उसको आप अलग रख दीजिए। देन डिब्बे में कर लेते हैं वरना गिर जाएंगे, टूट जाएंगे कलर्स, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और ये सब हम लोग ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है, अलग लगा देते हैं, ठीक है। तो एक कलर नहीं आ रहा है उसको मैंने ठास ठास के भर दिया है, ठास ठास के नहीं भरना है, मैंने नहीं भरा है, मैं तो सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, ठास ठास के भर दोगे कांच की शीशियाँ होती हैं टूट जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको ब्रश दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से लिए। देखो सबसे पहले मैंने लिया है 0 0 साइज़, नहीं ये तो 1 है, ये 1 है। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से ब्रश लिए। देखो सबसे पहले तो ये 0 नंबर ब्रश है, बहुत महीन होता है ये, ठीक है, देख लो देखने में मोटा लग रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत जूम किया। ये 3 है 1 के,
तो देखो इसमें क्या है, वन के हैं लेकिन वन में भी कई सारे आते हैं। देखो ये है स्मॉल वन, इसका साइज देखो ठीक है। फिर ये है मीडियम वन, इसका साइज देखो उससे थोड़ा बड़ा। और ये है लार्ज वन, ये देखो इसका सबसे बड़ा साइज ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने टू में भी किया है, ये देखो एक मीडियम टू है देख लो, और ये लार्ज टू ठीक है। फिर टू के बाद मैंने थ्री फोर स्किप किया है और मैंने सीधा फाइव लिया है। फाइव भी, फाइव के बाद मैंने सिक्स सेवन एट नाइन स्किप करके सीधा टेंथ लिया है। इसकी तो भाई लंबाई चौड़ाई देखो, टेन के बाद सीधा लिया है ना ये मैंने ऐसे ही लिया है खाली, इससे मैं पेंटिंग नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि जो बड़े बड़े लैंडस्केप बना रहे हो अगर आप, तो आप इस ब्रश का इस्तेमाल कीजिए इसकी बजाय, इसका करना है इसकी बजाय। हम लोग छोटा ही लैंडस्केप बना रहे हैं इसलिए हम इसका करेंगे, लेकिन जब मैंने पिछली बार बड़ा लैंडस्केप बनाया था तो मैंने इससे पेंटिंग की थी। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हो तो मैं अपने ब्रश समेट के रखता हूँ, समेट के क्या करें, इसको अलग कर देते हैं, इसका का कोई काम नहीं ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, प्रशियन ब्लू लेना है, प्रशियन ब्लू ये रहा ठीक है, ये है प्रशियन ब्लू। देखो मैं नए सील के कलर्स खोल रहा हूँ आपके लिए, ये देखो नई सील है इसकी। ज़ीरो नंबर ब्रश लेना है ठीक है, ज़ीरो नहीं लिया मैंने, वन लिया, ज़ीरो बहुत ही पतला है। ये देखो वन को हल्का सा पानी में डिप किया और इसको इसमें डिप किया, बस इतना ही लेना है। देखो मैं लगा देता हूँ पहले, ठीक है देखो प्रशियन ब्लू हो गया। देन उसके बाद हमें चाहिए सी आर, समझ गए होगे, क्रिम्सन नहीं, रेड में चाहिए कोई शेड। यार एक तो इसके इतने नाम हो गए ना, समझ में नहीं आता कौन सा रेड लेना है यार, यही वाला रेड चाहिए ये ठीक है। इसका नाम है क्रिम्सन, इतने अजीबो गरीब नाम रखे हैं, थोड़ा तो समझ लेना चाहिए यार, इतने नाम हम लोग कैसे याद कर सकते। जो कलर आप यूज़ कर लें उसे तुरंत बंद करके रख दें, ये मेरा सख्त आदेश है, क्योंकि अगर कलर्स आपके स्प्रेड हो गए लैंडस्केप पे, पेंटिंग पे, तो फिर आपकी पेंटिंग पूरी ख़राब हो जाएगी यार। देखिए मैं सब नए सील के कलर्स खोल रहा हूँ आपके लिए, खोल नहीं रहा, थोड़ा शेक कर लेते हैं इसे तो अब हो सकता, पता नहीं क्या हुआ है खुल नहीं रहा। मैं खोल के दो मिनट की मेहनत और मशक्कत के बाद हमने आखिरकार खोल लिया। देखिए ये भी न्यू सील कलर है, इसको भी नई सील हम खोल रहे हैं आपके लिए सभी। ओह इसकी तो सील पर ही इतना पेंट लगा, तो इसकी तो सील ही से इतना पेंट सही से आ जाएगा कि हमें इसके अंदर तो डिप करने की ज़रूरत है। देखिए मैं कितना हल्का हल्का ले रहा हूँ, डॉट लगा दे, डॉट लगाइएगा अभी, अभी पेंट नहीं करना है। अगर पेंटिंग अच्छी बनानी है तो मेरे सख्त आदेशों का पालन किया जाए। ये देखिए इसको फिर से हम सील पैक कर देंगे। तो गाइस हम लोग अब इसको थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे, अब स्प्रेड करने के लिए हम लोग मोटा ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं अच्छे से, इसको जो है उल्टा स्प्रेड करना है, यानी जो रेड हमने नीचे लगाया था उसे ऊपर नीचे ही, मतलब ऊपर की ओर ले जाना है। उल्टा स्प्रेड करेंगे तभी प्रॉपर टेक्सचर आएगा। मैं स्प्रेड कर लेता हूँ फिल्म, देखिए मैंने स्प्रेड कर लिया है,
काफ़ी अच्छी लग नहीं रही है। मुझे पता है क्यों नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि मैंने हल्का सा वाटर थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। तो मैंने क्या किया है, टिशू लिया है, बहुत थोड़े से टिशू से प्रेस कीजिए, प्रेस जैसे अपने कपड़ों पर करते हैं प्रेस, घिसना नहीं है। जैसे जहाँ जहाँ पर देखिए वाटर ज़्यादा लग रहा है या पेंट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, वहाँ पर हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिए। प्रेस कर देंगे तो देखिए अच्छा लगने लगेगा, अब देखिए थोड़ा साफ लग रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हमें चाहिए क्या नाम है, क्रिम्सन। क्रिम्सन के बाद चाहिए हमें प्रशियन पोस्टर रेड। पोस्टर रेड हमारा ये रहा, सब नई सील खुल रही है, सब नई सील खोल रही है। देखिए हमने जो है क्रिम्सन के बाद लिया है पोस्टर रेड। यार एक्चुअली ऐसे ऐसे नाम दे दिए हैं कि याद भी नहीं रहते सही से। तो देखिए पोस्टर रेड ले लेना है, थोड़ा ही थोड़ा पेंट लीजिएगा ये, क्योंकि पोस्टर कलर्स हैं तो ये इनमें पानी बहुत लगता है, इसीलिए मैं देखिए इतना पानी लेके बैठा हूँ और ये सिर्फ दो कलर्स पेंट करने में आधा हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी डिप करेंगे जिससे ये और अच्छे से फूल जाए। सूखना नहीं चाहिए पेंट, अगर सूख जाएगा तो वो अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा, इसलिए देखिए मैं जैसे ही लगाता हूँ तुरंत स्प्रेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, थोड़ा सा दोनों हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम आप। ये देखिए इस पर लगा दीजिए, एंड दिस इज पोस्टर रेड का पोस्टर कलरिंग इज नॉट डन फॉर नाउ, अभी हुई नहीं है गाइस। आप लोगों ने सोचा होगा मैं बोलूँगा पोस्टर रेड का पोस्टर कलरिंग इज डन, नहीं अभी नहीं डन हुई है, अब इसको और स्प्रेड करना है। देखिए एक पेंटिंग का मंत्र है कि आप जितना पेंट को स्प्रेड करेंगे अच्छे से उतनी ही अच्छी आपकी पेंटिंग बन जाएगी। अब सोचिए आपने सिर्फ पेंट को बहा दिया है हर जगह, जितना डार्क करेंगे उतना अच्छा नहीं लगेगा, जितना लाइट करेंगे उतना थोड़ा लगेगा कि हाँ टेक्सचर है। क्योंकि जब भी आप इसको पोस्ट करोगे कहीं पर भी, जहाँ पर भी पोस्ट करना है आपका मन है, तो वहाँ पर हमेशा डार्क दिख जाएगी थोड़ी, क्योंकि वीडियो जो होता है, देखिए मैंने टिश्यू लिया है, वीडियो या फोटो हमेशा थोड़ा डार्क कलर देखती है। तो देखिए मैंने फिर से टिश्यू लिया, मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा टिश्यू ले रहा हूँ मैं। ये देखिए इतनी सी पट्टी ली है बस, इसको कैसे करेंगे, पूरी पट्टी को कलर के ऊपर बिछा देनी है। देखिए बिछा दिया मैंने और इसमें देखिए कलर लगेगा, जो एक्स्ट्रा कलर होगा वो लग जाएगा, लेकिन आपको कलर थोड़े लगाना है, आपको तो उसको सिर्फ सुखाना है। तो फूंक मारते जाइए और टिश्यू से टैप 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 प्रेस करते जाइए, और जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर पेपर फट रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के टिश्यू को रख दीजिए, तो टिश्यू का जो पेपर होता है वो वहाँ गीले, क्योंकि पेपर गीले होने से फटता है, तो जहाँ पर गीला हो जाएगा तो टिश्यू अपना पेपर वहाँ पर छोड़ देगा। देखिए जैसे मेरा हल्का सा भी अभी कहीं भी नहीं फटा है, बस एक कट आया था, तो मैंने वहाँ पर टिश्यू को इस तरीके से देखिए रख दिया है। अब जो है अभी मैं इसको नहीं खोलूँगा, ये कुछ देर बाद मैं खोलूँगा, जिससे जो है टिश्यू थोड़ा सा चिपक जाएगा। ये देखिए अभी खोल दिया मैंने, एंड इट इज़ डन। देखिए हल्का सा कलर लाइट होगा तो उसके लिए आप हल्का सा फिर से उसके ऊपर कलर कर सकते हो, जैसे मैंने अभी कर दिया, ठीक है बस हो गया, ठीक है ऐसे कलर कर सकते हैं आप। अब क्या है इसके बाद, ये क्या नाम था, पोस्टर रेड। पोस्टर रेड के बाद हमें करना है वर्मनी ह्यू, जिसको अगर आप हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में उसका नाम लगेगा आपको ऑरेंज, यस ऑरेंज, हिंदी में उसको ऑरेंज ही कह सकते हो आप, ऑरेंज। एक सेकेंड ये पेंट, हाँ बस अब सुन, ये देखिए ऑरेंज, ये मैंने ऑरेंज कलर लिया है। देखिए तो मैं सीरियल बता देता हूँ, मैंने लिया है प्रशियन ब्लू, फिर क्रिम्सन लिया है, जो कि प्रशियन ब्लू थोड़ा ब्लू के शेड में था, क्रिम्सन थोड़ा पर्पल के शेड में था। देन उसके बाद मैंने लिया है पोस्टर रेड जो कि रेड था एकदम,
देन उसके बाद मैंने लिया वर्मिलन ह्यू, जो लोग थोड़ा स्किप कर देते हैं उनको नहीं पता चलता है, तो मैंने बता दिया ये वर्मिलन ह्यू लिया है ऑरेंज, जो कि ऑरेंज के शेड में। उसके बाद मैं क्या लूँगा मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप कर दोगे, ठीक है। तो ओहो ये देखिए, ये भी नई सी, इसमें थोड़ा सा देखिए कैमिलियन वालों की सच्चाई, पेंट के ऊपर ऊपर पानी आता हुआ, इसका मतलब ये लोग पेंट में पहले से पानी मिलाते हैं। जी हाँ, हमेशा पेंट में पहले से पानी मिला होता है, अगर आप नई सील भी लेंगे तो भी पेंट में पानी मिला हुआ ही मिलता है, चाहे जितनी आप नई सील ले लीजिए पेंट में पानी मिला ही के देते हो लोग। अब आप कहोगे ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, उनकी मर्जी, आप उनसे पूछिए जाए। मुझे एक्चुअली इतना नहीं पता है कि पेंट में लोग क्यों मिलाते हैं, मैं तो भाई सीधा सारा पेंटिंग करने वाला नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये लोग पेंट में पानी क्यों मिलाते हैं। पेंट में पानी ये लोग इसलिए मिलाते हैं कि देखिए, पहली बात तो इनका प्रॉफिट होगा, और दूसरी बात कि जो हम लोगों का भी इसमें प्रॉफिट है कि हम लोगों का पेंट जो है अच्छा टेक्सचर वाला बनेगा, पेंटिंग अच्छी टेक्सचर वाली बनेगी, इसमें वो लोग हमारा भी फ़ायदा करते हैं। अगर पेंट में पानी आप नहीं मिलाओगे तो पेंटिंग अच्छी टेक्सचर वाली नहीं बनेगी। ये देखिए मैंने पानी ले सकता हूँ, मैं हर बार लेता हूँ। आप लोगों के कई कमेंट आते हैं कि मैं तो पानी लेते हुए नहीं दिखाता हूँ, गैस मैं पानी लेता हूँ। ये देखो देखिए कितना पानी है, बह ना जाए यहाँ इतना, इसीलिए मैं एकदम नीचे नहीं कर रहा हूँ। मैंने जैसे बताया था कि हमेशा नीचे की ओर नहीं करना है, जब भी आप लैंडस्केप बनाइए ऊपर की ओर करना है, ऊपर की ओर देखिए कर रहे हैं। हाँ, पेंट ऊपर से नीचे की ओर लगते हैं, लेकिन जो पेंटिंग होती है वो ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर की ओर होती है। देखिए ऐसे ऐसे क्या होगा, जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होंगे, जब नीचे वाला कलर आप ऊपर फेंकेंगे तो जो कलर है ऊपर वाला वो थोड़ा डार्क होगा या लाइट होगा, फिर आप उस जो ऊपर है और नीचे उन दोनों को अगर आप थोड़ा वो करेंगे मिक्स करेंगे तो वो दोनों का कलर या तो डार्क होगा या तो लाइट होगा, फिर उन दोनों का जब आप ऊपर पुश करेंगे तो जो सबसे ऊपर है उसका कलर या तो थोड़ा लाइट होगा या थोड़ा डार्क होगा। ऐसे होता है। मैं मेरी काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, जैसा कि आपने देखा। इसमें मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में गाइस मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। देन जो है उसके बाद हमें लेना है क्रोम येल्लो हम ले लेते हैं। ओ क्रोम येल्लो तो मैंने इधर, ये लेमन येल्लो है एंड दिस इज, देखो ये अल्ट्रा येल्लो है, गोल्डन येल्लो है, ये अल्ट्रा का मतलब अल्ट्रा में क्या होता है कि जो कलर है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, बस ये एक काफ़ी बड़ा सा वो रहता है डिफरेंस अल्ट्रा और नॉर्मल कलर्स में। टिश्यू मेरा नहीं संभाल रहा। ये देखिए क्रोम येल्लो मीडियम ह्यू का, मैंने हाई ह्यू का नहीं लिया है, मीडियम ह्यू सही रहता है। मीडियम ह्यू में ये होता है कि जो है कलर्स मिक्स बहुत अच्छे से हो जाते हैं, हाई ह्यू में ये रहता है आपको एकदम पूरा कलर जितना भी आपको करना है पूरा आपको रखना पड़ेगा। फिर से मैंने ऑरेंज कर दिया, मैं टिश्यू करना भूल गया इसलिए मैं टिश्यू ले रहा हूँ। ऑरेंज में काफ़ी मैंने कम लगाया था तो आप कम भी टिश्यू ले सकते हो। ये देखो ऐसे, देखो मैंने पूरा खोल दिया और इसको ऐसे कर दिया। अब इसके ऊपर देखो चिपक जाता है कभी कभी, तो ओह चिपक गया, सही में चिपक गया। मैं आप लोगों को बताने लगा तो इतनी देर में वो गीला होके चिपक गया, चिपकना नहीं देना है आपको टिश्यू पेपर। ये देखो वाह कितना अच्छा लग रहा है ना, ठीक है तो ये हो गया। देन जो है इसको अब हम क्रोम येल्लो को खोलते, सब नई सील खोल लेने का, उसमें तो अभी गुजगुजे भी बन रहे हैं, दैट इज़ बबल्स, ठीक है। तो ये देखो हर यूज़ के बाद ब्रश को अपनी दो उंगलियों से ऐसे होल्ड करना और ब्रश जैसे स्क्रू ड्राइवर घुमाते हो ना वैसे घुमा देना, जिससे ब्रश थोड़ा सा सूख भी जाता है
दूसरा पेंट होता है वो आपकी उंगलियों में लग जाता है, मतलब ब्रश से अलग हो जाता है, और ब्रश थोड़ा सा पतला हो जाता है, उसकी नोक बन जाती है। मैं मेन इसीलिए करता हूँ कि ब्रश की नोक बन जाए। ओह ओह कितने गाढ़े कलर्स दिए यार इन्होंने अल्ट्रा में। जो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने आप ख़रीदे हैं कैमिलियन के स्टूडेंट्स पोस्टर कलर्स, और तब मैं पेंटिंग इनसे कर रहा हूँ। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मुझे हर ब्रांड स्पॉन्सर करती है, डोम्स नटराज नहीं, मैं हर बार एक नए कलर्स लाता हूँ, क्योंकि आपके लिए नया कुछ भी तो लाना है, खाली एक ही कलर से पेंटिंग करेंगे तो नया टेक्सचर नहीं आएगा, नई पेंटिंग्स नहीं होंगी। पेंटिंग्स तो नई हो जाएंगी, लेकिन जो मज़ा आए आप लोगों को नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, बताने में, वो नहीं आएगा। इसलिए मैं हर बार जब भी पेंटिंग करता हूँ कोई अलग ब्रांड के नए कलर्स लाता हूँ। पिछली बार मैंने फेबर कास्टल से किया था, उसके पिछली बार मैंने डोम्स, और सब उसके 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 पिछली बार नटराज। ये देखो मैंने इसमें जो है हल्की सी स्प्रिंकलिंग भी की है। देखो ये देखो दूध ऐसे ठीक हल्की सी स्प्रिंकल कर दिया मैंने स्काई में येलो। ठीक है आप देखो अब जो है हमारा लैंडस्केप पूरा बन गया है, मतलब पूरा जो पीछे का बैकग्राउंड था वो बन गया है। अब बैकग्राउंड को है तो इसको पहले सुखाएंगे। देखो अब थोड़ा सा ज़्यादा टिशू लेना कि आपको सब पर एक साथ करना है, ठीक है, तो सब पर एक साथ करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टिशू लिया है, जितना मैं पिछली बार दो बार से ले रहा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा। देखो एक तो मेरा उड़ भी रहा है, ऐसे करना है, देखो एक मैंने नीचे लगाया तो एक ऊपर, ठीक है, जब ये वाला ऊपर जाएगा तब ये वाला नीचे, ये नहीं कि एक ही लाइन में लगा दोगे, एक ही लाइन में लगा दोगे तो दोनों टिशू चिपक जाएंगे। ये देखो कर दिया, इसको हटा दिया, अब इसको इस लाइन में लगा देना, इसको इस लाइन में लगा देना, देखो पलट पलट के लगा देना। देखो फिर से मैंने चिपका दिया, देखो अब दोनों टिश्यू ख़राब, फेंक देते हैं इसको। अब देखो ये लैंडस्केप हमारा बन गया है, अब जो है नए कलर्स आएंगे। अब देखो पहले तो ये जो दो ब्रशेस मैंने यूज़ किए थे स्प्रेडिंग में, इन दोनों को मैं साफ़ करूँगा। साफ़ कैसे करना है, इसको अपने ऊपर रखना है ऐसे, और इसको प्रेस करना है, देखना यहाँ से नीचे से बूंदे टपकेंगी, ठीक है, यही मैं साइड में कर रहा हूँ ताकि मेरी पेंटिंग ना खराब हो। देखो अब मैंने इसको सुखा दिया है, अब जो है इसको पूछ देते हैं, दिया। देन अब हम बनाएंगे, अब नया कलर आने वाला है ब्लैक, सबसे इजी। अब देखो ब्लैक कलर को कहाँ पर करना है, इसके लिए मुझे चाहिए होगी पेंसिल। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अब वाटरफॉल है तो साइड साइड में स्टोन्स लगेंगे तभी वो वाटर धारा से गिरता है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लेना है मिड पॉइंट पे, एकदम मिड से थोड़ा सा ऊपर है, मान के चलो एक इंच यहाँ पर लेना है ऐसे, और इसको ड्राइंग करते करते ऐसे यहाँ तक का लेना है। देखो ड्राइंग दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, देन आपको दिख जाएगी। ये देखिए पेंट पर एक्चुअली लाइट ही पेंसिल ड्रॉ करना, वरना अगर आपने पेंट पर ज़्यादा डार्क पेंसिल ड्रॉ कर दी, डार्क को दी पेंसिल, तो आपका पूरा पेपर फट सकता है, क्योंकि पेंट पर गीले पेंट हैं एक तो ये, मतलब वाटर कलर्स हैं। मेरा हाथ पेंट हो गया, देखो अब दिख रही होगी, दिख रही है, अब दिख रही है, ठीक है। एक तरीके से आप जो है डॉगी का मुंह बना देना है, ये देखो लग वैसे ही रहा है कुछ, देखो ये ईयर्स है, ये उसका माउथ है, ये उसका पूरा हेड, उसकी गर्दन, इस तरीके का। इसी तरीके इसी एंड से ऐसे ही हमको दूसरे तरफ से भी स्टोन्स
बना देने, ठीक है। तरीका यही हो ना हो, मतलब इसी तरह से, मतलब लगभग इसी बेस पर। देखो मैं फिर से इसको थोड़ा सा डार्क, इस बार मैंने इस इधर काफ़ी गंदी की है, कई सारी लाइंस होंगी, कई सारी लाइंस इसलिए की हैं, काफ़ी अलग गड़बड़ 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 लगेगा, तभी लगेगा कि स्टोन्स रखे हुए हैं। ब्लैक कलर लेना है। ये जो है इसमें क्या करना है आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको एक प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। स्टोन्स ब्लैक कलर के तो होते नहीं, वो होते हैं ग्रे कलर के। ग्रे कलर बनाने के लिए हमको ब्लैक और वाइट थोड़ा थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा। अब आपको बताता हूँ ग्रे कलर बन कैसे जाएगा। देखिए, जब ब्लैक में वाइट मिक्स होगा तो ये तो एकदम ऑब्वियस सी बात है कि ये ब्लैक कलर थोड़ा सा लाइट होगा। और आपको बता दूँ, ग्रे कलर ब्लैक कलर का लाइट ही पे होता है। अगर ब्लैक कलर है तो आप ग्रे कलर भी बना सकते हैं। ये कलर बनाने के लिए आपको एकदम गीला ब्रश चाहिए होगा। ये देखो मैंने गीला कर लिया ब्रश अपना, ठीक है। और ये देखो मैंने इसको रख लिया। और ये बात आपको बता दूँ, ब्लैक और वाइट के लिए अलग अलग ब्रश यूज़ कीजिएगा, वरना वाइट में ब्लैक और ब्लैक में वाइट लगेगा आपको। ये देखो मैंने अलग इस ब्रश से ब्लैक निकाला है, इसको अलग रख देंगे। देन दूसरा ब्रश लेंगे, ब्लैक कलर पहले बंद कर देते हैं, वरना बह जाएगा, मेरी पूरी पेंटिंग बर्बाद हो जाएगी। ओह नो, इसमें तो बहुत कम है, वाइट में इसलिए बहुत कम देते हैं। ये देखो ग्रे बन गया, बन गया ग्रे। ग्रे बना रहे हैं ग्रे। हाँ, बाद में अगर आपको मिक्सिंग करनी है तो दोनों ब्रश उसको एक साथ मिक्स कर सकते हो। बाद में मैं एक पत्थर ब्लैक वाले ब्रश से और एक पत्थर वाइट वाले ब्रश से करूँगा, क्योंकि मैंने दोनों ब्रशेस को मिक्स किया है एक साथ, मतलब दोनों को लड़ा लड़ा के मिक्स किया है कि ब्लैक और वाइट लड़ जाए एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ये देखो दोनों में लग गया है। तो सबसे पहले हम एक ब्रश लेंगे, ये वाइट वाला ब्रश है, इससे हम कर देते हैं पहले पेंट। बहुत ही गीला करके करना है पेंट आपको, क्योंकि अगर सूखे सूखे पे कर दोगे तो मज़ा नहीं आएगा, सूखा सूखा लगेगा। और वाटरफॉल के साइड के पत्थर आपको पता होंगे कि कैसे होते हैं, एकदम गीले गीले होते, स्लिपरी से। तो स्लिपरी बनाना है तो ऑब्वियसली बात है गीला करना पड़ेगा। ये देखो हमने कर दिया है। आपको एक बात और बता दूं, मैंने इस वीडियो में साइड साइड में मास्किंग टेप नहीं लगाया है। अब आप लोग पूछोगे मास्किंग टेप क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो मेरी ये जो दफ्ती है ये थोड़ा साइड साइड से बाहर निकल रही थी। तो मैंने क्या सोचा है कि जब हमारी पेंटिंग बन जाएगी, मैं इस दफ्ती को वाइट कलर कर दूंगा तो अच्छा लगने लगेगा, तो लगेगा कि साइड से हमारी ये सही से बनी हुई है, साइड में एकदम टेक्सचर अच्छे से आया है। अब आप लोग सोचोगे मास्किंग टेप वाइप का झंझट क्यों करना। जब भी अगर आप कोई ऐसे लैंडस्केप बना रहे हो तो मास्किंग टेप मस्ट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मास्किंग टेप के बगैर आप सही से स्प्रेड तो कर लोगे, लेकिन जो पेपर है वो साइड साइड से गंदा लगने लगेगा, इसीलिए मास्किंग टेप लगा दोगे। तो मास्किंग टेप पे जब कलर हो जाएगा, आपकी पेंटिंग बन जाएगी, तब आप उस मास्किंग टेप फिर आप उस मास्किंग टेप को हटा दीजिएगा और आपकी पेंटिंग अच्छे से बन जाएगी। देखिए मैंने साइड वाला पूरा पेंट कर दिया है, ठीक है। तो हम दूसरे साइड का भी पेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे साइड का ये था, दूसरे साइड, ओ सॉरी, दूसरे साइड पे तो दूसरे ब्रश से पेंट करना था, दोनों ब्रशेस से पेंट करेंगे। आइए आपको एक बार नए एडवेंचर पे ले सकते हैं, दो ब्रश पेंटिंग एक। ये देखिए फटाफट, इससे काफ़ी जल्दी भी हो रहा है गाइस।
एक हॉरिजॉन्टली कर देगा और एक वर्टिकली। ये बढ़िया आइडिया है। मैं आप लोग कहोगे हमने पेंट पर वो लाइन बना दी थी तो उसे इरेज कैसे करेंगे। इरेज करने की कोई बात नहीं, जब उस पर आप वाटर लगाएंगे, वाटर स्प्रिंकल मतलब वाटर बनाएंगे, तो वो अपने आप इरेज हो जाएगी क्योंकि लाइन कवर हो जाएगी वाटर के कलर ब्लू से। ये देखिए, अब आप लोग कहोगे मैंने काफ़ी ख़राब पेंटिंग कर दी इसमें, एक लाइन में नहीं किया मैंने, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टोन्स के किसी को बता के थोड़े आते कि मैं इस लाइन में आऊँगा, मैं इस लाइन में आऊँगा। वो तो अपने आप जब पहाड़ या कुछ अर्थक्वेक आता है तो वो अपने आप इधर उधर हो जाते हैं गिर के, तो बस उसी तरीके से कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए हो गई। अब देखिए ग्रे इतना बचा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी नीचे भी इसके ऊपर थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ग्रीन लेना है, डार्क ग्रीन। आप लोग कहोगे वाटरफॉल बना रहे हैं, वाटर को सबसे लास्ट में करेंगे। जी हाँ, वाटर को सबसे लास्ट में करेंगे। ओह सॉरी, कैमरा हिल गया। अब जो है ये लेना है ग्रीन कलर। सब नई सील खोल रहे हैं आपके लिए हम लोग, देखिए नए नए पेंट लाते हैं हम आपके लिए। ये देखिए आपके सामने नई सील। अरे यार, यार पेंट जब नया खुलता है दिल पे ऐसा। अब नीचे हम थोड़ी ग्रास बना रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, वाटरफॉल है, ग्रास तो होगी ही होगी। इसमें मैंने कोई ड्राइंग नहीं की, मैं ऐसे ही अपने हैंडमेड ग्रास बनाए दे रहा हूँ। ये देखो हैंडमेड जो चीज़ें इतनी अच्छी बनती हैं वो सही, ऐसे ही हैंडमेड तो खैर वो भी थी, सॉरी हैंडमेड तो मेरी लाइंस भी होती, बट ऐसे ही मैंने अपनी इमेजिनेशन से ग्रास बना दी है। एक्चुअली जो हमने ड्राइंग बनाई थी इस वीडियो के पहले एकदम गंदी वाली एक डायरी में, वो उसमें ग्रास नहीं थी। ठीक है, उसमें सिर्फ ये पत्थर थे और वाटर था। ये ग्रास मैंने अपने ऐसे ही इमेजिनेशन से बनाई है। टीम वाले में उस पर हंस रहे हैं, क्या हुआ है, ग्रास बना दिया ऐसे ही। तो आप बताइए गाइस, जब ग्रास बन गई तो कौन सी दिक्कत है उसमें, वाटरफॉल है, नेचर की जगह है, तो ग्रास तो बनेगी ही बनेगी। सिंपल सी चीज़ है यार, तुम लोगों को नहीं समझ में आती है। तो गाइस आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन लोगों को जवाब दीजिए कि मैंने सही किया है ग्रास बनाकर। गाइस आप लोगों पर है मेरी इज्जत बचाना। चलिए चलिए, मैं वीडियो में 2 मिनट रुक जाता हूँ। कहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी सबसे नई नई वीडियोस सबसे पहले आप तक का पहुँचे। ये देखिए हमने ग्रास भी बना दी है, जो जो आप, ये देखिए हम फिर से सील पैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हो गया। ठीक है, जो जो ब्रशेज आपने यूज़ किया उन्हें अगर आपने साफ़ कर दिया तो ठीक, नहीं साफ़ किया तो आप उन्हें तुरंत डाल दीजिएगा पानी में। तो अब पानी की बारी आई, पानी से याद आया वाटरफॉल बना रहे, वाटर बनाते हैं। देखिए सारी ड्राइंग्स हो गई हैं, बिना वाटर के वाटरफॉल कुछ ऐसा लग रहा है। अभी इसमें कई सारी चीज़ें बाकी है मेरे दोस्त। अभी इसमें मून बनेगा, या तो वाटरफॉल सनसेट के टाइम होगा, मतलब सन में होगा, दिन में होगा, या रात में होगा। तो हम यहाँ रात बना रहे हैं तभी हमने ब्लू यूज़ किया। अगर हम दिन बना रहे होते तो सिर्फ रेड, ऑरेंज, येलो यूज़ किया। आप अगर चाहो तो दोनों यूज़ कर लो, ना चाहो तो कोई दिक्कत। अब इसमें काफ़ी और बनेगा, लेकिन तब तक के लिए हम वाटर बना लेते हैं। नई सील खोलना, वो भी पेंट्स की। पेंट्स की पता है आपको नई सील एकदम कड़ी क्यों बनाते हैं, कड़ी इसलिए बनाते हैं। देखो आपको, चलो अच्छा आपको पहले ये बता देते हैं कड़ी क्यों बनाते हैं। कड़ी इसलिए बनाते हैं क्योंकि पेंट्स जो होते हैं लिक्विड में होते हैं, और लिक्विड में सबसे ज़्यादा डर रहता है बहने का, तो बहने ना पाए इसलिए पेंट्स की कंपनियां। देखो अब जब हमें वाटर बनाना है, यानी
बड़े स्पेस पे बनाना है तो हम 5 नंबर ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो जो पानी गिर रहा होगा वो थोड़ा लाइट होगा, और जो पानी ठहरा होगा यानी वहाँ पर रुका होगा नदी के, मतलब नदी के रूप में, वो थोड़ा सा लाइट होगा। तो जो मतलब वो थोड़ा सा डार्क होगा। तो हम जो है पहले लाइट कलर लेंगे। लाइट कलर मेरे पास कौन सा है, नेम बता देता हूँ तुमको। लाइट ब्लू है, उसका तो कोई नाम ही नहीं, बेनाम। देखो पानी पानी बनाने में बहुत लगेगा, इसलिए पानी बनाने से पहले आप पानी थोड़ा अपने पास स्टोर कर लीजिए, मतलब रख लीजिए। क्योंकि मुझे भी नहीं पसंद आता है जब मैं पेंटिंग कर रहा हूँ तो बार बार उठें पानी लाएं, इसीलिए मैं एक बोतल पानी बड़ी वाली रख लेता हूँ हमेशा अपने पास। ये देखिए देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। देख लीजिए अब मैंने, कितनी गंदी पेंटिंग है। नहीं ये अभी बहुत अच्छी पेंटिंग लगेगी, आपको बताते हैं कैसे। इस पर अभी देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा वाटर लगाऊंगा, ठीक है। वाटर लगाएंगे तो स्प्रेड हो जाएगा। ये मत कीजिएगा कि आपने उसको छोड़ दिया है, मतलब लगा के देन आप पहले दूसरा कलर कर रहे हैं, सोचेंगे कि तब तक वो थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब नहीं करना है कलर, यही तो दिक्कत है। काफ़ी लोग ये कर देते हैं, छोड़ते हैं थोड़ा देर, लगा के सूख जाने दें जिससे थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा पेपर, तो हमारी पेंटिंग में अच्छा टेक्सचर आएगा। यही गलती कर देते हैं लोग, पेंटिंग में अच्छा टेक्सचर लाने के लिए तुरंत पेंट को लगाएं, तुरंत ही आप उसे स्प्रेड कर दीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कहा था कि लाइट ब्लू डार्क ब्लू होगा नीचे वाला, तब भी मैं लाइट ब्लू इस पे क्यों लगा रहा हूँ। लाइट ब्लू लगा कर ही डार्क ब्लू करना रहता है, ये बात आप समझ लीजिए पेंटिंग अगर आप करते हैं तो। ऐसे ही आप अगर मन बहलाने के लिए कर रहे हैं तो आप चाहे जिस भी उसमें कर लीजिए, लेकिन अगर पेंटिंग को आपको पसंद है, पैशन है आपका, तो आप इसी तरीके से कीजिएगा, अच्छी लगेगी। अच्छी लगे ना लगे मेन बात, क्योंकि अच्छी तो हर आदमी को अलग अलग होती है, पसंद हर आदमी की अलग अलग होती है। अच्छी लगे ना लगे मेन बात ये होती है कि आपने अपने हिसाब से कैसी बनाई, तो अपने हिसाब से आपको अच्छी अगर बनानी है तो आप पहले तो पानी ज़्यादा लगाइए और लाइट के ऊपर ही डार्क कीजिए। ये नहीं कि आपने पहले जो है लाइट कर दिया, डार्क कर दिया, फिर उसके ऊपर अब वो थोड़ा डार्क हो गया तो लाओ लाइट कलर कर दे, इससे और डार्क हो जाएगा। कभी कभी गलती हो जाती कि हमने काफ़ी डार्क कर दिया, हमें हल्का और करना है, हल्का कलर करना है, तो क्या कीजिएगा उसके ऊपर हल्का हल्का वाइट का स्प्रिंकल कीजिएगा, वाइट की शेडिंग कीजिएगा। वाइट की अगर आप शेडिंग करेंगे तो लाइट होएगा, वरना अगर आप लाइट कलर डालेंगे, जैसे मैंने मान लीजिए ये बहुत डार्क कर दिया, तो अगर मैं ये कलर डाल दूंगा उसके ऊपर ये और डार्क हो जाएगा, इसीलिए वाइट की शेडिंग ज़रूरी है। अभी आप देखिए काफ़ी ख़राब लग रही होगी, यहाँ पर थोड़ा ग्रीनिश व्यू भी आ गया है, क्योंकि वहाँ पर जो है थोड़ा डार्क कलर करना पड़ेगा, यानी गाढ़ा कलर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर था येल्लो, ठीक है। देखिए अब मैंने कर दिया, अब इसको एकदम जो लाइट ब्लू था उसे हम कर देते हैं बंद, ठीक है, बंद कर देते हैं। एंड अब हम लेंगे डार्क ब्लू, पहले पेंट ब्रश को थोड़ा अच्छे से साफ कर लेते हैं। पहले तो पानी में खूब ऐसे दबा दबा के घुमा दीजिएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। देन उसके बाद उसको अपने हाथों से थोड़ा सा रगड़िएगा साइड में। देखिए इतना पेंट लगा था मेरे हाथ में, अब देखिए ब्रश एकदम साफ है। अब आप इसे चाहो तो डार्क में डुबो सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप डुबो सकते हो डार्क में।
ये मैंने आउटलाइन बना दी कि इतने में जो है डार्क कलर होगा, और अब मैं डार्क कलर थोड़ा थोड़ा रख दे रहा हूँ उसके ऊपर, बूंदी बूंदी लगा दे रहा हूँ। जब पानी कीजिएगा तो आप ऐसे एस एस बनाते जाइएगा, एस एस बना देंगे ना जब एस, अच्छा देखिए एस 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 एस, तो जो है वो पानी लगेगा कि आपका बह रहा है आगे की ओर। ये देखिए ये बस ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए पानी ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह वो एकदम शांति से बह रहा है तो वो छलकेगा नहीं, छलकता भी है, इसीलिए उसके लिए मेरे पास एक और मैंने एक पेंटिंग लगाई है, करनी है अभी। पहली बात तो जब आप ये डार्क और लाइट ब्लू कर रहे होंगे तब इसमें आप नीचे से ऊपर नहीं ऊपर से नीचे लाओगे, ठीक है, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है तभी आपका प्रॉपर टेक्सचर आए। अब क्या करना है, ज़रा सा वाइट कलर खोलिए, ठीक है, एकदम महीन ब्रश जो हो एकदम महीन, ये देखिए मेरे पास सबसे महीन ब्रश ये है, ये मेरे पास ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो नंबर से महीन ब्रश मेरे पास नहीं है, मेरे पास पॉइंट्स में ब्रश नहीं है मेन बात, ठीक है। तो ज़रा सा डुबोइए और ज़रा सी वाइटनिंग करनी है, समझ गए आप, वाइटनिंग अगर आप नहीं समझे तो मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ। ओह वाइटनिंग कर दी मैंने यहाँ पर ब्लू पे, देखिए वाइटनिंग हल्का सा लग रहा होगा आपको, वाइट वाइट, तो वाइट वाइट ये है जो रिंकल्स पड़ते हैं, रिंकल्स नहीं, हाँ रिंकल्स, जब पानी जैसे आप अगर एक बूंद डालेंगे ऊपर से काफ़ी ऊँचे से तो जो पानी है नीचे का वो छलकता है, बस उसी को मैं रिंकल्स कह रहा हूँ यहाँ पर, वो रिंकल्स पड़ेंगे, ठीक है। देन आगे क्या करना है, आगे अभी मून बनाना है, तो मून के लिए हमें चाहिए होगा कंपस, आप कंपस ले सकते हो या अगर आपके पास ये है तो किसी भी कलर का ढक्कन ले लीजिए, तो मैं तो यहाँ ढक्कन ही ले ले रहा हूँ, कंपस, चलो कंपस ले लेते हैं, कंपस ले लेते हैं क्योंकि मेरे पास जो है अब बनेगा भाई सब मून, मून बनेगा मून, मून बनाएगा मूड, ये देखो बन गया। अब इसको वाइट कलर कर देते हैं, ऑब्वियसली सी बात है मून हमेशा वाइट ही करना आप लोग, देखो मैंने एक मीटियोर भी बना दिया है जो कि अर्थ पे गिर रहा है ये, ठीक है। और मून का जो है पेंट से सर्किल पूरा नहीं आएगा, देखो आप चाहे मास्किंग टेप, मैंने आज यूज़ नहीं किया, मास्किंग टेप यूज़ करता है तो भले सर्कल आ जाता, बट मैंने पेंट के ऊपर ही बना दिया। अगर सही बताऊँ तो मैं आज मास्किंग टेप यूज़ करना ही भूल गया, मैंने पेंटिंग स्टार्ट कर दी, एक्चुअली आज लेट हो रहा था तो मैंने ऐसे ही जल्दी से पेंटिंग स्टार्ट कर दी और मैं मास्किंग टेप भूल गई। अब जो है करना, देखना हल, अब स्टार्स तो बनाएंगे थोड़े बहुत,
अब स्टार्स बनाने के लिए पेंट एकदम ब्रश एकदम साफ नया नया नहीं मतलब वही जो आपके पास है उन्हीं में से किसी एक को अच्छे से साफ कर लेना। और देखो महीन ब्रश लेना स्टार्स के लिए और दूसरे ब्रश से जरा सा और लेंगे हम वाइट। एक जगह रह गया मतलब एक एरिया में रह गया बस देखो। अब एक सूखा ब्रश लेना ऐसे ऐसे कर देना ठीक है। अब हो गया ये देखो अब स्टार्स भी बन गए मून भी बन गया सब कुछ बन गया लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है। अब क्यों पूरी नहीं हुई है अभी ये काफ़ी ख़राब लग रही है। ये ब्राउन लग रहा है लेकिन ये ऑरेंज है अभी ये काफ़ी अच्छी नहीं लग रही है। अब एक वही महीन ब्रश ले लेना जो वाइट इससे स्टार्स बनाए उसी से हल्का सा पेंट लेना बहुत हल्का सा समझ लो बोर देना ठीक है। और इसको जो है ये जो है पानी इसको ऊपर ऊपर की ओर लाइंस खींच देना हल्की सी बहुत कम सा पेंट लेके। पता चला कैसे करना है ये। चलो अब ये अभी इसमें जरा सा पानी लगा देना जिससे जो है ये थोड़ा सा लगेगा हाँ ये पानी बह रहा है और ना लगेगा कि वाइट पेंट बह रहा है ठीक है। तो ये देखो ये जहाँ तक का लाइन नहीं खींची देखो अब ये काफ़ी थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। ये मीटियोर गिर रहा है ये स्टार्स मैंने बना दिए हैं स्टार्स बहुत ही पास से दिखेंगे एंड दिस इज आवर फाइनल पेंटिंग। अभी इसमें एक और चीज़ बाकी है वो मैं कर देता हूँ फिर मिलते हैं। साइड साइड में कटिंग भी तो करनी है करते हैं फिर मिलते हैं। साइड साइड में कटिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ पेपर कटर। कट कर लेता हूँ डन मिलता हूँ आपसे। अब देखो कटिंग हो गई है तो अब पेंटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है ना। और आपको एक सीक्रेट बात बताऊँ नहीं बताऊँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो और घंटी आइकन ज़रूर दबाना ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सीक्रेट बात तभी बताऊंगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब कर लो मैं सीक्रेट बात बता दूँ चलो अच्छा बता देता हूँ लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज मेरी दीदी का बर्थडे है और मैंने ये पेंटिंग उसको गिफ्ट में देने के लिए बनाई है ठीक है। सो ये है मेरा सीक्रेट नहीं टॉप सीक्रेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।